देश के किसानों के लिए ये साल काफ़ी नुकसानदायक रहा है। बेमौसम बारिश की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में किसानों की तैयार फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। जहां एक ओर धान की फसल खराब होने से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के बैतूल में मक्का किसानों के पास इतनी पैदावार हो गई है कि उन्हें मंडी में प्रवेश करने के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में मक्के की बंपर आवक को देखते हुए कृषि उपज मंडी में चारों तरफ मक्का ही मक्का दिखाई दे रही है। इसे देखते हुए किसानों के लिए मक्के की उपज बेचना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। इन दिनों मक्के की आवक इतनी जबरदस्त हो गई है कि बुधवार को मंडी में 20,000 से भी ज़्यादा बोरी उपज की आवक रही थी, और खास बात यह है कि इनमें से सबसे अधिक 17,255 बोरी जो आवक थी वो मक्का की ही थी। आपको जानकार हैरानी होगी कि मंडी में किसानों की इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि सुबह 10 बजे के बाद मंडी के मुख्य गेट से किसानों के वाहनों को अंदर जाने से रोक दिया गया था। मंडी में प्रवेश रोके जाने की वजह से गेट के बाहर किसानों के वाहनों का जमावड़ा सा लग गया। मक्का किसानों की मौजूदगी का आलम इस बात से लगाया जा सकता है कि मंडी के अंदर और बाहर दोनों तरफ भारी जाम लग गया था। मक्के की फसल बेचने के लिए मंडी के बाहर इंतजार कर रहे सभी किसानों को देर रात तक भीतर प्रवेश देकर टोकन दे दिए गए। इसके बावजूद समय पर तुलाई ना होने की वजह से किसानों को मंडी में इधर उधर धक्के खाने पड़ रहे हैं। दरअसल मक्के की आवक सप्ताह में 3 दिन रहती है, इसके लिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का दिन रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।